इस गैन चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नया वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्री। तो चलिए, आज का जो अपडेट आ रहा है वो नोकिया की तरफ से, नोकिया 9। अब बहुत दिन से आने वाला था, अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, इंडिया में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज लोग आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये फ़ोन अब आज ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी फ़ोन के बारे में छोटा सा रिव्यू करते हैं, फ़ोन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यही देर तो देखना है। इसका जो हाईलाइट, जो सबसे बड़ा हाईलाइट था, इसमें 5 सेटअप कैमरा मिलने वाला है दोस्तों। तो वही देखते हैं। चलो, डिस्प्ले जो मिलेगा 5.99 इंच डिस्प्ले, POLED डिस्प्ले, QHD डिस्प्ले, रेजुलेशन जो होगा 1440x2880 पिक्सल रेजुलेशन, HDR10 पे R10 स्क्रीन होगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, चिपसेट जो मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845, रैम जो मिलेगा 6GB, स्टोरेज मिलेगा 128GB, एंड्रॉयड 9 पाई पे काम करेगा, एंड्रॉयड 9.1 भी स्टॉक एंड्रॉयड रहेगा। रियर कैमरा जो मिलेगा 5 सेटअप कैमरा होने वाला है दोस्तों, सभी कैमरा 12 मेगापिक्सल करके होगा। इनमें दो तीन कैमरा होगा, F1.8 मोनोक्रोम कैमरा, और दो कैमरा जो मिलेगा वो 8GB कैमरा होगा, कैमरा यानी सेंसर होगा। डुअल LED फ्लैश मिलने वाला है दोस्तों। सेल्फी कैमरा जो मिलेगा 20 मेगापिक्सल होगा। बैटरी जो मिलेगा 3320 mAh के बैटरी, फास्ट चार्जिंग को सपोर्टेड रहेगा, एंड इसमें वायरलेस चार्जिंग भी इनबिल्ट सपोर्टेड है, वो भी फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा। USB-C टाइप पोर्ट मिलने वाला है दोस्तों। और सबसे बड़ी दुख की बात जो है, 3.5mm जैक जो गया हो दोस्तों, वो नहीं रहेगा फ़ोन में, क्या कहते हैं ये लोग पता नहीं। तो ये फ़ोन का प्राइस जो होगा 48,700 रुपये। तो नमस्कार दोस्तों, यही छोटा सा इंफॉर्मेशन था, मिलता है अगले किसी